हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी ब्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेल, आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ चैरिटी इन लाइफ। वेल, आई नो चैरिटी वर्ड सुनते ही हम सब के दिमाग में ये थॉट आता है कि चैरिटी करना यानी किसी को कैश से हेल्प करना या फिर फूड डोनेट करना। क्या कभी हम ये सोचते हैं कि चैरिटी करने के लिए कितने सारे डिफरेंट यूनिक वेज होते हैं जिस पे हमारा कभी फोकस जाता ही नहीं है। हम अपने पुराने सामान को फेंक देते हैं अक्सर ये सोच के कि ये सामान तो यूजलेस है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इसको डोनेट करना इज़ अ मच बेटर आइडिया देन जस्ट थ्रोइंग द स्टफ अवे, चाहे वो कपड़े हो या फिर कोई दूसरा हाउस होल्ड आइटम। रिसेंटली आई हैव मेड इट अ रिचुअल इन माई लाइफ दैट मैं रोज बर्ड्स को फीड करूँ। द फीलिंग इज अमेजिंग। अपने टेरेस पे या फिर घर के गार्डन एरिया में अगर आप रोज़ बर्ड्स को खाना प्रोवाइड करते हो, उनको पानी देते हो, देन ये बहुत ज़्यादा नोबल कॉज होता है। स्पेशली समर के टाइम पे जब बर्ड्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है पानी ढूंढने में एंड वो बेचारे परेशान होते हैं, आपका एक छोटा सा स्टेप भी उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। सो ये तो रही छोटी सी बात जो आप इजीली कर सकते हैं और इसके लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। दिस इज़ समथिंग दैट एवरी वन ऑफ अस कैन अफोर्ड, लेकिन उतना भी एफर्ट हम देना ज़रूरी नहीं समझते, विच इज़ अ सैड फैक्ट। तो अगर आपने ऐसा कभी किया नहीं है बर्ड फीडिंग, तो प्लीज़ शुरू कीजिए। ट्रस्ट मी, द फीलिंग इज़ ऑसम। एंड एक तो आप दूसरों की मदद कर रहे हो और ख़ुद भी आप में एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आती है। चैरिटी इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। इससे ना सिर्फ हमें पीस और सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट जब हम किसी दूसरे इंसान की हेल्प करते हैं तो उसकी ब्लेसिंग्स भी हमें मिलती है। एंड ट्रस्ट मी, ब्लेसिंग्स में इतनी ज़्यादा पावर होती है दैट आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आने लगते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपैशन। आपको शेयरिंग से खुशी मिलने लगती है और आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी अच्छे से समझने लगते हो। अगर पूरी लाइफ हम बस अपने सेल्फिश नीड्स को फुलफिल करने में लगा देंगे तो क्या हम ट्रू सेंस में खुद को एक अच्छा इंसान कह सकते हैं? नहीं। गॉड ने इंसान में वो एबिलिटीज़ इसीलिए दी हैं कि हम किसी और क्रिएचर को भी मदद कर सकें। वी कैन फील सिंपथी एंड पेन ऑफ अदर्स। वी आर इमोशनली मोर इंटेलिजेंट दैन एनी अदर एनिमल। तो फिर इस पावर को हम यूज़ क्यों नहीं करते? अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ को हम सही डायरेक्शन में कभी नहीं यूज़ करते। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ कंपैशन। वी आर मोर हैप्पी इन वेस्टिंग आवर मनी इन फ्रिवोलस एक्टिविटी रादर देन यूटिलाइजिंग इट फॉर अ बेटर पर्पस। एंड चैरिटी का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं होता है। आप सोसाइटी में अपने यूनिक वे से चैरिटी कर सकते हो। कोई पॉजिटिव अवेयरनेस स्प्रेड करके, किसी हेल्पलेस इंसान को मोटिवेट करके, किसी एनिमल को शेल्टर प्रोवाइड करके या फिर फीड करवा के। इन फैक्ट देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज जिससे हम सोसाइटी में चैरिटी कर सकते हैं, रादर देन कंप्लेनिंग दैट मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि मैं दूसरों की मदद करूँ। ये एक्सक्यूजेस यूज़ मत कीजिए एंड स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स। अपने आस पास के सिचुएशंस को नोटिस कीजिए। डज एनी वन नीड योर हेल्प? अगर हाँ, देन डू नॉट वेस्ट योर टाइम। डू वॉट एवर यू कैन टू हेल्प अदर्स एंड दैट्स द साइन ऑफ अ ट्रू ह्यूमन बींग दैट विल ब्रिंग यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉय, जो अपने लिए माइंडलेसली चीज़ें खरीदने से नहीं मिलने वाली है। एक्सपेंसिव ट्रिप्स हो या फिर मूवी टिकट्स, खरीदने वाले पैसों को कभी कभार किसी हेल्पलेस की मदद करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। दैट विल क्रिएट अ मच डीपर इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। सो इसी नोट पे आज का ये वीडियो मैं एंड करती हूँ एंड आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा आप सबको ज़रूर कुछ हद तक रियलाइज करने में हेल्प करेगी। बी द चेंज दैट यू वॉन्ट टू सी, दैट्स व्हाट आई कैन से। Do not forget to like, share and comment. Do subscribe to my channel Sweetie Vlogs for more such content. Thank you for watching.